गुड इवनिंग आप सभी दर्शकों को। आज हम बनाने वाले हैं मटन चिली। उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं वो ऐसे हैं। हमने मटन बोनलेस मटन को 5-5 सेंटीमीटर्स के क्यूब में काट लिया है। देखिए ये साइज़ होगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, हल्दी ले ली है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है हम प्रेशर कुकर में 1.5 कप पानी डालेंगे और उसी में हम मटन के पीसेस को डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल देंगे। ये हमने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और हमने लिए हैं जिंजर 1.5 इंच का। साथ में हम हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी नमक डाल देंगे सो दैट जल्दी वो पक जाए। बाद में तो हम नमक मटन अभी चिली को फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम प्रेशर कुकर को लॉक करते हैं और 2 सीटी के लिए हमने हमारे मटन को चढ़ा दिया है इस पर और हम थोड़ी देर बाद फिर इसको चेक करेंगे जैसे ही ये पक जाएगा और आगे का प्रोसीजर देखेंगे। तो अभी हमारा ये मटन बॉईल हो चुका है। मटन स्टॉक के अंदर जो बॉईल मटन्स हैं सारे पीसेस हैं उसमें। एकदम बहुत ज़्यादा पका नहीं देंगे, एकदम फुल्ली नहीं पका देंगे, थोड़ा सा रखेंगे सो दैट फ्राई होते टाइम थोड़ा और पक जाएगा वो। हमारे पास जुलियंस है, अदरक जुलियन करके ले लिया है और कड़ी पत्ते हैं। तो हम अभी गैस जलाएंगे और इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है जो हम फ्राई करेंगे जो चिली बनाएंगे मटन चिली बनाएंगे उसके लिए हमारा तवा थोड़ा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी है हम सुखा लेंगे। देन अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा तेल देंगे, अराउंड 3 टेबल स्पून। मैं अपने अंदाजे से दे रहा हूँ, आप मेजर करके भी दे सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें कड़ी पत्ता और अदरक का जो हमारे कटे हुए हमारे पास थे वो हम डाल देंगे। हल्का सा इसको बस तेल का फ्लेवर आ जाए वो ऐसा तो सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा मटन एज वेल एज उसके साथ जो स्टॉक है वो हम पूरा का पूरा इसमें पोर कर देंगे एंड विल लेट इट लेट द स्टॉक नो ड्राई आउट इन द वॉक। वो वॉक में ही ये पूरा सूखेगा और इसलिए हम ज़्यादा पानी भी नहीं डालते बॉयल होते टाइम पे। मटन का खुद का भी पानी निकलता है तो ये वॉक भी इक्वली रिच है, प्रोटीन रिच है, सॉरी स्टॉक भी बहुत ही रिच है। तो ये हम ऐसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट्स में मोस्टली ये सूख जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो हमारी वेजिटेबल्स हैं और मसाले हैं जैसे कि पेपर हो गया, कश्मीरी चिली हो गया थोड़ा सा बिकॉज हम कलर लाना चाहते हैं, वो सब देंगे। तो वो हम जैसे ये थोड़ा सूख जाता है उसके बाद हम देख लेते हैं। ये सूख गया अभी थोड़ा सा और इसमें हम वेजीज ऐड कर देंगे तो दैट वो क्रंची उसका जो टेक्सचर है मेंटेन रहे। थोड़ा कश्मीरी चिली,
देखिए इसको हाई फ्लेम पे ही जैसे हम नॉर्मल चाइनीज़ फूड बनाते हैं वैसे ही हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक वेजीज भी थोड़े कच्चा सा एकदम उनका कच्चापन चला जाएगा तब तक। साथ में ही हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, पहले भी हमने दिया हुआ था सॉल्ट जो कि इसी में मिक्स्ड है। थोड़ा सा फ्राई होने देंगे हम इसको। जो प्याज और कैप्सिकम हमने डाला हुआ था वो पक चुका है, हम इसमें डाल देंगे मटन मसाला। जो आप नॉर्मल मटन करी जब बनाते हैं उसमें जो डालते हैं वो मटन मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारे पास इसमें हमने कुछ भी सार करके करने के लिए नहीं डाला है, तो हमने हाफ नींबू का रस निचोड़ के रखा था, तो नींबू का रस हम डाल देंगे। नॉर्मली हम लोग विनेगर डालते हैं बस नींबू का रस इज इक्वली गुड, बहुत ही अच्छा टेस्ट लेगा इसमें मटन में, तो हमने नींबू का रस इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया, मसाले मिक्स हो गए हैं। हमने कुछ साबुत मिर्चियाँ थी उसको आधे आधे काट के रखे हुए थे वो भी हम डाल देंगे। फिर हमारा जो चाइनीज़ बना रहे हैं तो हम एक गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड करेंगे, ये इसको वो फ्लेवर जिंग ऐड करेगा। देखिए फिर से एक बार हाई फ्लेम पे चलाते हुए, हाई फ्लेम पे चला दिया हमने इसको, तैयार है हमारा मटन चिली। मटन को आप जितना फ्राई करेंगे जितना अच्छे से उसको बंगाली में बोलते कसेंगे मतलब तब तक उसका पूरा ऑयल बाहर नहीं आ जाता है तब तक हम उसको चलाते रहते हैं, उसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा निखरता है। तो हमने धनिया काट के रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। नॉर्मली धनिया नहीं जाता है किसी भी चाइनीज़, बट मटन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए, नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है धनिया डालना।